सोलन में इन दिनों लगातार डायरिया के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक माह में करीब 574 रोगी अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं और ये रोगी धर्मपुर, कसौली, नौनी, ओजघाट, बसाल, चंबाघाट के क्षेत्र से आए हैं। ये बीमारी जल जनित है, इसलिए बरसात के समय में ज़्यादा होती है और लोगों को इस समय में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। डायरिया पैदा करने के लिए प्रमुख रूप से रोटोवायरस जिम्मेदार होता है। ज़्यादातर इससे बच्चे प्रभावित होते हैं और 5 से कम साल उम्र के बच्चों में डायरिया प्रमुखता से देखा जाता है। इस बीमारी से केवल सावधानी से बचा जा सकता है। सोलन में लगातार डायरिया के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। अब तक एक माह में करीबन 574 रोगी अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। ये रोगी धर्मपुर, कसौली, नोनी, ओजघाट, बसाल, चंबाघाट और आसपास के क्षेत्रों से आ रहे हैं। ये बीमारी क्योंकि जल जनित है और बरसात के समय में ये ज़्यादा होती है, तो लोगों को इसमें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। डायरिया पैदा करने के लिए प्रमुख रूप से रोटावायरस जिम्मेदार होता है। ज़्यादातर इससे बच्चे प्रभावित होते हैं। बच्चों में पानी और पोषक तत्वों की कमी होने के साथ साथ अत्यधिक कमजोरी भी हो जाती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। इस बीमारी से केवल सावधानी से बचा जा सकता है। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि इस मौसम में डायरिया की चपेट में लोग ज्यादा आते हैं। अब तक करीबन 574 मामले सोलन के और 1065 रोगी जिला सोलन में हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे पानी को उबालकर और छानकर अवश्य पिएं और गले सड़े फलों को उपयोग में ना लाएं। उन्होंने कहा कि अगर हम सावधानी बरतते हैं तो इस रोग के संक्रमण से बचा जा सकता है। अब ये बरसात का मौसम है, लोग बाहर कहीं ना कहीं पानी पीते हैं या अपना बॉयल्ड वाटर का यूज नहीं कर रहे हैं या क्लोरिनेटेड वाटर जो IPH की स्कीम्स आती हैं उसका वाटर का यूज नहीं करते हैं, तो डायरिया होने का चांसेस रहता ही है। तो अभी तक जो हमारे सोलन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस महीने अभी तक 574 केसेस जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के आए हैं और जो टोटल पूरे डिस्ट्रिक्ट के हैं 1965 केसेस अभी तक हो चुके हैं जिनसे कि लोग डायरिया या वॉमिटिंग या गैस्ट्रोएंटेराइटिस से ग्रसित हुए हैं। तो लोगों से मैं एक अपील करूंगा इसके लिए कि कहीं पर भी अगर कोई वाटर सप्लाई स्कीम सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही है अगर कोई बंद होती है, किसी वजह से पानी नहीं आ पाता है, तो कोई भी पानी अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उसको कम से कम 20 मिनट तक बॉयल करें या फिर वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से जो आशा वर्कर लेवल तक हमने क्लोरीन की टेबलेट्स दी हैं वो 20 लीटर पानी में 1 क्लोरीन की टेबलेट डाली जाती है, उसको लें और अपने पानी में डालें, उसको कम से कम 1 घंटे तक पानी में पड़े रहने दें और उसको बंद करके रखें, उसके बाद उस पानी का सेवन करें। कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।